एक्सेल सी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आपको जानकारी दे दें कि आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही है एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अवंतीपुरा से खबर आ रही है, अवंतीपुरा के पास बाटसू के नजदीक जो है ये बस अनबैलेंस हो जाती है। ओवर स्पीड होने के कारण जो है बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है और 28 के करीब जख्मी हो जाते हैं। नॉन लोकल लेबर से भरी हुई ये बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो है इन्हें इलाज के लिए तुरंत जो है अवंतीपुरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और पोमपोर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और उसके बाद इन्हें रेफर किया जाता है श्रीनगर के विभिन्न हॉस्पिटल्स में, जहां पर इस वक्त जो है इन मजदूरों का इलाज जारी है। ये बस जो है नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हाई स्पीड जो है इस बस की दुर्घटना का मुख्य कारण बताया जा रहा है। अक्सर जो है हाई स्पीड होने के कारण जो है बस जो है दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जिसके लिए जो है हमारे प्रशासन को सख्त कदम उठाने की अति आवश्यकता है। फिलहाल अवंतीपुरा के नजदीक बारसू के पास जो है यह हादसा पेश आया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 28 के करीब जो है लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मैं बिहार से आ रहा था, मैं कंगन जाना था, हमको लकड़ को काम करते और बस ले गया, ड्राइवर चला रहा था, उधर इधर से इधर साइड में हिलाया, बस रोडे पे पड़ गया। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज।